नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस चंदेल यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा हिमालय की LEAF 52DS के बारे में। तो बहुत से लोग के बहुत से सवाल थे कि LEAF 52DS और LEAF 52 में क्या अंतर होता है, इसे कब लेना है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी डोजेज कितनी रहेगी, इसके साथ ही क्या इससे वेट गेन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं और रिव्यू भी हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, बिकॉज बहुत ही हाइप रहती है और हर कोई यूज करता है। जिम गोअर से लेकर आप 9 to 5 अगर जॉब करते हैं, हर कोई इसे यूज करता है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि क्यों यूज कर रहे। तो आज मैं बता देता हूं आपको क्यों यूज करते हैं लोग इसे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है जैसे कि आप देख सकते हैं हिमालय ब्रांड की LEAF 52DS, और ये ब्रांड मुझे खासकर इसलिए पसंद है क्योंकि इस ब्रांड की जितनी भी सप्लीमेंट्स आते हैं, जितनी भी मेडिकेशंस आती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। चाहे फिर इनका फेस वॉश हो गया, चाहे ये दवाई हो गई, चाहे इनका कोकशुरा हो गया, मैंने उसका भी रिव्यू बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं आप वो वीडियो भी। और जो ये ब्रांड है, इन्होंने देहरादून से शुरुआत की थी और आज पूरे इंडिया में इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं और बहुत ही आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स रहते हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि LEAF 52 कैसे काम करती है। ये बहुत ही सिंपल काम करती है, ये आपके लिवर की टॉक्सिसिटी को कम करती है। जो लोग अक्सर अल्कोहल का कंज्यूमशन ज्यादा रहता है उनका, तो उनका जो लिवर है वो फैटी हो जाता है, इसके साथ उसमें एसिड की वैल्यू भी बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई फैटी लिवर की दिक्कत आती है, उसके साथ ही आने वाले टाइम में उनका जो लिवर है खराब होने का चांस रहता है। दैट्स व्हाई LEAF 52 कम्स इनटू एक्शन। इसका जो की इंग्रेडिएंट है कसानी, वो आपकी हेल्प करता है, आपकी लिवर की हेल्प करता है उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसे कम करने में। दोस्तों, इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, जैसे हम हिमसिरा बोलते हैं या फिर इंग्लिश में हम उसे कैपर बुश के नाम से भी जानते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके लिवर को फर्दर आने वाली टॉक्सिसिटी से बचाता है। सो इस तरह से काम करती है, बेसिकली आपके लिवर की टॉक्सिसिटी को कम कर दिया। अब टॉक्सिसिटी आती कहां से है, जो लोग ड्रिंक ज्यादा करते हैं तो उनके लिवर अक्सर टॉक्सिक हो जाता है और इसके साथ उनको फैटी लिवर की भी दिक्कत आती है। सेकेंड रीजन ये होता है कि जो लोग जिम जाते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट और जो अदर सप्लीमेंट लेते हैं उसका सिंथेसिस भी आपके लिवर में होता है, दैट्स व्हाई वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम। इसके साथ ही जो लोग सर्टेन मेडिकेशंस पे होते हैं, लेट्स से डिप्रेशन की मेडिकेशन हो गई या फिर किसी और चीज की मेडिकेशन पे हो गए, तो कुछ मेडिकेशन आपके लिवर पे जाके सिंथेसाइज होती है, दैट्स व्हाई आपके लिवर टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। चौथा जो मेन रीजन है वो आपके बैड लाइफस्टाइल और बैड फूड जो आप खाते हैं, ऑयली फूड जो आप खाते हैं, जिसके कारण आपका लिवर टॉक्सिक होता है। पैकेजिंग की बात करूं दोस्तों, कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको देखने की मिल जाएगी, स्टैंडर्ड जो पैकेजिंग रहती है इनकी। इसके साथ ही आपको पिल भी दिखा देता हूं, और इसके साथ ही आपको पिल कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी। डोजेज की बात कर लेते हैं इसकी। दोस्तों, डोजेज कितनी लेनी है, अगर आप 18+ हैं तो आपको दिन में 2 बार लेनी है, 2-2 पिल, मतलब दिन में खाना खाने के बाद आप 2 पिल लेंगे एंड रात में खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद आप 2 पिल ले सकते हैं इसकी। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मतलब 18+ से अगर आप नीचे हैं, तो आप इसकी 1-1 पिल ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी तरह की दूसरी मेडिकेशन चला रखी है फॉर डिप्रेशन, फॉर स्ट्रेस, या फिर आपके लिवर से संबंधित या फिर आपकी किडनीज की कुछ और मेडिकेशन चल रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिएगा इसको लेने से पहले। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी अमेजिंग थिंग कि इससे आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही होगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ऐसी कोई स्टडी अब तक भी सामने नहीं आई जो ये क्लेम कर दे कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, एंड दैट थिंग आई रियली लाइक। तब मैं कुछ सवालों के जवाब देता हूं जो अक्सर आपके मन में उठते हैं कि क्या LEAF 52 और LEAF 52DS में क्या फर्क है। दोस्तों, कुछ फर्क नहीं है, बस पोटेंसी का फर्क है। LEAF 52 नॉर्मल पोटेंसी के साथ आती है और ये LEAF 52DS डबल पोटेंसी के साथ आती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे रेदर देन LEAF 52, बस इतना ही फर्क है। दोस्तों, बहुत सारे लोग के मन में ये क्वेश्चन भी उठता है कि क्या इससे वेट गेन होगा। दोस्तों, बेसिकली ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है और आपके जो एंजाइम्स होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी जो मिक्सिबिलिटी होती है और उनका जो फंक्शन होता है उसे इंप्रूव करती है। तो नेचुरल सी बात है, जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आप खाना ज्यादा खाएंगे, और जब आप खाना ज्यादा खाएंगे तो उससे आपका वेट गेन होता है, ना कि इस पिल से। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि क्या इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। हाँ जी, इनसे डाइजेशन इंप्रूव होता है, ये सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उसे सीक्रेट कराने में आपकी मदद करती है। इसके साथ ही ये जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ए जैसी जो बीमारी होती है उससे भी आपके क्योर करती है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम इसे अल्कोहल के साथ ले सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी आपको अल्कोहल के साथ नहीं लेनी है, वरना आपको बेनिफिट की जगह नुकसान हो जाएगा आपकी बॉडी को। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत से लोग के मन में अक्सर उठते हैं, और मैंने इस वीडियो के जरिए सारे क्वेश्चंस का आगे जवाब दे दिया। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि हम इसी तरह फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और ये थे मेरी वीडियो हिमालय की LEAF 52DS के बारे में। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर से मदद करूंगा। इसी के साथ ही मैं चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।